वेलकम बैक मुशर्रफ अली ख़ान ब्लॉग्स में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है आपका, खैर मकदम है। दोस्तों आज मैं बहुत ही अच्छी जगह आया हुआ हूँ और कसम से आप यकीन करना, अल्लाह की कसम कि मैं 20 साल से ज़्यादा मैं रह रहा हूँ लेकिन मुझको भी इसके बारे में नहीं मालूम था कि ये यहाँ पर एक ज़ारत है, जो मुझे आज कल रात को मुझे पता लगा। तो मैं ये आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ और ये वो जगह है कि आपकी इंशाल्लाह तबीयत खुश हो जाएगी और आप बने रहिए मेरी वीडियो के साथ में। देखिएगा ये वीडियो, वाकई बता रहा हूँ कि 20 साल के बाद जो है मुझे भी नहीं पता था कि ये जो है जगह यहाँ मौजूद है, लेकिन इत्तेफाक से जो है मैंने किताबों में पढ़ा तो मुझे ये पता लगा। और आप देखिएगा, मैं फ्रंट से आपको दूँ, ये देखिएगा ये जो मेरे सामने ये जो आप जगह देख रहे हैं ये वो जगह है जहाँ अल्लाह के नबी ने जो है यहाँ पर मक्का जब फतह करने के लिए आए थे तो अल्लाह के नबी ने यहाँ पर जो है क्या नाम है, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये पूरी जगह बनी हुई है, बंद कर दी है, बाउंड्री वगैरह खींच दी गई है। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये जो पूरी चीज़ जो आप मेरे सामने ये देख रहे हैं ये पूरी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अल्लाह के नबी जब यहाँ आए थे मक्का फतह करने के लिए तो यहाँ पर इसके अंदर कुआँ है, मैं आपको बता दूँ, इस कुएँ से जो है पानी से जो है अल्लाह के नबी ने जो है वुज़ू किया था और उसके बाद वो सीधे मक्का फतह की तरफ जो चले गए। तो मैं आपको ये दिखा दूँ फ्रंट के लिए, ये सामने मेरे क्लॉक टावर भी है, ये करीब है, ये जबली उमर पर है, ये देखिएगा सामने, मैं थोड़ा जूम करके दिखा दे रहा हूँ आपके लिए, ये देखिएगा। अभी यहाँ पर सैफ को ये प्राइवेट के ऊपर ये जो गाड़ियाँ चल रही होंगी इसका कोई किराया नहीं जाता है, ये स्टॉप के बिल्कुल ही बराबर में है। और ये देखिएगा, ये जूम करके दिखाता हूँ मैं क्लॉक टावर की तरफ देखिएगा ये बिल्कुल करीब है। जब आप हरम से आओगे तो आपको 1 किलोमीटर है सैफ को बस स्टैंड पड़ेगा, सैफ को बस स्टैंड के बाद जो है ये जो है लोकल जो बसें चल रही हैं इसका कोई किराया विराया वगैरह नहीं होता है। ये देखिएगा ये पूरा अरबी में लिखा हुआ हैगा, ये आप पढ़ लीजिएगा। और ये देखिएगा इसके ये नक्शा, ये भी एक नक्शा दिया हुआ है, ये यहाँ पर भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है। और ये देखिएगा मैं दिखा दूँगा आपके लिए, देखिएगा ये इसके अंदर जो बाउंड्री खींच कर ये कुआँ बना दिया है, जाल लगा दिया गया हैगा। यहाँ पर अल्लाह के नबी ने जो है ये देखिएगा वीडियो माशाल्लाह, मेरा मकसद है कि आपको मैं अच्छी अच्छी वीडियो और ज़्यादातर जो है दिखाता रहूँगा इंशाल्लाह, ताकि आप बने रहें मेरी वीडियो के साथ में। ये देखिएगा ये सामने से है, अब मैं कोशिश करता हूँ सामने जाने की, इसकी बाउंड्री खींची हुई है, उधर फ्रंट से मैं जाने की कोशिश करता हूँ, अगर जगह है तो मैं अंदर से आपको जाके दिखाऊँगा, आप बना रहा हूँ। ये बिल्कुल सामने टावर दिखाई भी दे रहा है, बिल्कुल करीब है, और जब हरम से आओगे तो तकरीबन 1 किलोमीटर से कम ही है, और इसी के बिल्कुल ही सामने के लिए जो हैगा ये जो लोकल मक्का की जो बसें चलती हैंगी ये वहाँ पर, अभी ये बंद पड़ा हुआ हैगा गेट में। ये सामने जो मेरे आप गेट देख रहे हो जाली वाला, ये देखिएगा मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इसमें कुआ है, इसको जो है बंद कर दिया जाएगा। देखिएगा यहाँ पर अल्लाह के नबी ने जो है इस कुएँ से जो है वुज़ू किया था, तब मक्का फतह के लिए गए हुए थे और अल्लाह ने जो है मक्का को फतह किया हुआ था। आप देखिएगा ये वो जगह है और आप यकीन करना कि इसके बारे में मुझे भी नहीं मालूम था, रात मैंने जब पढ़ा तब मैं ये आज यहाँ ब्यूटी शूट करने के लिए आया। तो देखिएगा अगर आपको मौका लगे इंशाल्लाह तो आप ज़रूर आइएगा, हरम से 1 किलोमीटर है सैफ को बस स्टैंड के बराबर में, ये इसकी बाउंड्री कर दी गई हैगी और जो है क्या नाम है इसके अंदर कुआ है। तो अब ये काम वाम वगैरह चल रहा है, ये देखिएगा सारा सामान वगैरह रखा हुआ हैगा, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिएगा ये मैंने पीछे भी जो दिखा रखा हैगा, ये आप सामने जो हरम वाला क्लॉक टावर आप वगैरह देख रहे हैं, उसके बाद हरम बिल्कुल सीधा ये जबल पर है, जबली उमर पर, ये देखिएगा इधर ये कंस्ट्रक्शन जो है नया हरम चा बनना हैगा, ये सारा पत्थर पत्थर वगैरह हैगा, ये सारी एकदम सारी चीज़ें हैं देखिएगा। और प्लीज़ मेरी आप लोगों को गुजारिश है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी
तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। ओके, अगर आपको ये ज़ियारत करने के लिए आओ तो ये गेट तो लगा हुआ ही रहेगा, जहाँ मैंने बताया था कि ये वो जगह है, यहाँ इसके अंदर कुआँ है जहाँ अल्लाह के नबी ने जो है वज़ू किया था, फिर मक्के फ़तेह किया था। और ये साथ में लोकेशन है, यहाँ पर ही मस्जिद हैगी, और ये लोकेशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आप कभी आएँ तो इस लोकेशन को आराम से देख सकते हैंगे। ये देखिएगा, ये सामने ये पूरा ये बना दिया गया, ये देखिए नक्शा भी है सारा, देख रहे हैं आप, ये सारा नेप बनाया हुआ है, देखिए इसी के अंदर कुआ है सारा, ये देखिएगा पूरी लगा हुआ है, लेकिन अभी गेट हैगा, ये काम वाम वगैरह चल रहा हैगा। ये देखिएगा इस पूरे लोकेशन के साथ में हम आपको दिखा दे रहे हैं, इसलिए देखिएगा। अब ये अंदर से मैं लेके जा रहा हूँ, ये गेट लगा हुआ हैगा, ये देखिएगा इस सामने से कंस्ट्रक्शन चल रहा हैगा। और इसी के ही बिल्कुल ये जो सामने देख रहे हैं, इसके पीछे ही जो है जो मक्का की जो लोकल बसें हैं इसी के पीछे है, तो आप समझ लीजिएगा इसी लोकेशन पे आप जब भी आएंगे तो आपको ये लोकेशन वीडियो के साथ में देखिएगा। और ये दिखा दे रहा हूँ इसके बाहर को ही, ये सामने वाली मस्जिद है बिल्कुल, ये देख रहेंगे, ये सामने होटल है फुंदुक मीनारा हातिम, ये देखिए, उसके बाद रियादल अल्दफा होटल भी है देखिए सामने का, तो आपको आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप यहाँ पर ज़ियारत कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। ये देखिएगा, मैं एक दफ़ा फिर आपसे जो है अंदर से ये दिखा देता हूँ, ये देखिएगा बहुत ही शानदार, और बिल्कुल क्लोज करके दिखा देता हूँ, ये देखिएगा क्या बेहतरीन व्यूज़ है। देखिएगा जब अल्लाह के नबी ने मक्का फतह किया था तो यहाँ सबसे पहले उन्होंने वज़ू किया था। ये जो गेट देख रहे हैं, इस गेट के अंदर ही जो है इसकी कुआ है, लेकिन बस ये है कि वो लॉक लगा हुआ है, इसकी वजह से हम जा नहीं सके, गेट लगा हुआ है, काम चल रहा हैगा। और मौका अगर कभी लगा नेक्स्ट टाइम, अगर आप लोगों की दुआ हुई तो मैं अंदर का भी जो है आपको व्यूज़ दिखाऊंगा, वो कुआ भी दिखाऊंगा। बस आपकी दुआ दरख्वास्त है, और वीडियो आपको कैसी लगी तो आप ये ज़रूर करके दिखाइएगा। थैंक यू।